नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSC CAPOF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। उसका आपका मेडिकल का रिजल्ट आ चुका है, किन किन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही वो आपको अपना कैसे चेक करना होगा रिजल्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे कि सारे डिटेल आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप तरह की वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF एग्जामिनेशन 2020 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट के बारे में आपको मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूँ तो जो मेडिकल में अपियर हुए थे वो आपके कैंडिडेट हुए थे 4754 कैंडिडेट हैं जो आपके मेडिकल में अपियर हुए थे, जिसमें से फीमेल की बात करें तो 433 थी, मेल के बारे में बात करें तो 4321 कैंडिडेट थे मेल कैंडिडेट, ठीक है। जिसमें एब्सेंट की बात करूँ तो देखिए 74 कैंडिडेट फीमेल एब्सेंट रही हैं, और मेल की बात करें तो 1235 जो मेल कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे एब्सेंट रहे हैं। टोटल मिला के आपके 1309 कैंडिडेट हैं जो आपके वहाँ पे एब्सेंट रहे यानी ना पहुँच पाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनफिट के बारे में। देखिए जो मेडिकल में आपके अनफिट हुए हैं वो 21 तो आपके फीमेल कैंडिडेट थी जो अनफिट हो गई हैं वहाँ पे जाके, और आपका मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 364 जो मेल कैंडिडेट थे वहाँ पे अनफिट हो गए। टोटल यहाँ पे जाके 385 कैंडिडेट वहाँ पे भी आउट हो गए। अगर हम टोटल फिट कैंडिडेट यानी कि जो पास हुए सारे कैंडिडेट उनके बारे में बात करें तो 3060 कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से फीमेल के बारे में बात करें तो 338 हैं फीमेल और 2722 हैं मेल, ठीक है। आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। अब आगे बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है, फीमेल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की बात करूँ देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के 57 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, एससी के 44, एसटी के 32, ओबीसी के 107, यूआर के बारे में बात करें 98। टोटल बात करें तो आपके देखिएगा कितने हैं 338, जिसमें कि आपका जो नौ यहाँ पर लिखा हुआ फॉर ओनली दिल्ली यानी कि दिल्ली जो ओबीसी वाले हैं वो 31 कैंडिडेट हैं। टोटल मिला के जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 338 हैं यानी कि फीमेल के बारे में, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में। मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो देखिए आपका ईडब्ल्यूएस में 517 है, एससी के बारे में बात करें 341 है, एसटी के बारे में बात करें तो 258 है, ओबीसी के बारे में बात करें तो आपके देखिएगा कितने हैं 859, यूआर के बारे में बात करें तो 737। टोटल बात करें कैंडिडेट की तो ये कैंडिडेट हैं आपके कितने 2722। एक्स सर्विस मैन की बात करूँ तो जिसमें एक्स सर्विस मैन होंगे 353 और आपके ओबीसी फॉर दिल्ली ओनली के लिए वो आपके हैं 140 कैंडिडेट, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पे आपके मैं बताना चाहूँगा कहाँ पे कब बुलाया गया। देखिए आपका थर्ड वीक ऑफ जून आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए तरीके से बता रखा है थर्ड वीक ऑफ जून डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब मैं बात करना चाहूँगा ये आपको अपना रिजल्ट कैसे देखना होगा। सबसे पहले जाना होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ मैंने ये दो लिस्ट अपना फॉरवर्ड किए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे प्रिंस एजुकेशन पॉइंट तो अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे आपको, जहाँ पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं दो लिस्ट मैंने जारी की, एक मेल कैंडिडेट की लिस्ट टू मेल कैंडिडेट की है। आपको लिस्ट डाउनलोड करनी होगी, इस टाइप से ओपन करनी होगी। अब जैसे आप लोग लिस्ट डाउनलोड करोगे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का डिटेल आपका दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नंबर कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर देख रहा है, कैटेगरी का कोड भी दे रखा, अरुण कुमार इनका नाम है, ठीक है। इसी हिसाब से आपका जो भी नाम है अपना आप सर्चिंग पे यहाँ पे देंगे, देखिए सर्च वाले बटन पे, और अपना नाम से भी यहाँ पे सर्च करना चाहें नाम से कर लीजिएगा, या फिर आप लोग अपना रोल नंबर के थ्रू करना चाहें तो रोल नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए लिस्ट वन जो आप मैंने फीमेल कैंडिडेट की जारी की है, फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट वन मैंने यहाँ पे डाल दी है, इसको भी इसी टाइप से ओपन करना होगा और आराम से इसी टाइप से अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितने कैंडिडेट मैंने बताए थे उतने ही कैंडिडेट हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 338 कैंडिडेट बताए थे तो 338 कैंडिडेट हैं। लास्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 338, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी दे दी है, आई होप मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।